श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वंदे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं। येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते। तो यहाँ तक हमने देखा है कि भगवान कहते हैं अनन्य भक्ति के साथ यदि जो अनन्य भक्ति करता है मुझ में उसका योग और क्षेम का मैं वहन करूँगा, देखभाल करूँगा, इसका जो भार है मैं देख लूँगा। अन्य अपि देवताः त्वमेव चेत् तद्भक्ताः च त्वाम एव यजन्ते सत्यमेव सत्यम एवं। अन्य देवता जो भक्त लोग हैं, अन्य देवता का भक्त, वे भी मेरे पास ही पहुँचते हैं, मगर कैसे यजन्ते अविधिपूर्वकम्, अवधि ही अज्ञानम, अविधि ही अज्ञानम तत्पूर्वकम अज्ञानपूर्वकम यजन्ते इच्छते। कस्मात् ते अविधिपूर्वकम यजन्ते इति उच्यते। उनका पूजन करना अविधिपूर्वक कैसे है? अहम ही सर्वयज्ञानम भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माँ भवि जानन्ति तत्वेन। इसलिए तत्व के साथ तत्व में तत्व दृष्टि क्या है कि परमात्मा ही सभी रूप में है, ये अज्ञानी लोग नहीं जानते, इसीलिए च्यवंती माने प्रच्यवंते माने पतन हो जाता है उनका, ठीक है। ये अपि अन्य देवता भक्तिमत्वेन अविधिपूर्वकं यजन्ते तेषामपि यागफलम अवश्यं भावी। अच्छा, यागफल जो है माने दूसरे लोगों का माने देवताओं की जो पूजा करते हैं आराधना करते हैं उनका भी अपना फल मिलेगा, क्योंकि जो कुछ भी आप करता है करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि कोई बिना फल ही मैं वापस लौटाता हूँ, लौट देता हूँ सबको, नहीं। फिर कैसे, ये कैसा संभव? यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्या जनोऽपि माम् यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्या जिनोऽपि माम्। तो ये क्या है? ये अपि अन्य देवता भक्तिमत्वेन अविधिपूर्वकं यजन्ते माने अज्ञान पूर्वक
अविधि माने अज्ञानम, अज्ञानम तत्पूर्वकम, अज्ञान पूर्वकम यजन्ते, ते अपि बाकी जो लोग अन्य देवता देवताओं के आराधना करने वाले अविधि पूर्वकम अज्ञान पूर्वकम जो भजन कीर्तन करते हैं, उनके आराधना करते हैं, उनको भी कुछ फल मिल जाता है। क्या है फल? यान्ति गच्छन्ति देवव्रताः देवेषु व्रतम नियमो भक्तिः च येषां ते देवव्रताः देवान् यान्ति। सबसे पहली बात है कि जो लोग, जो भक्त लोग अन्य देवताओं के भक्ति करते हैं, तो देवव्रताः देवेषु व्रतम नियमः, मतलब देव उपासना करते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं नियम के साथ, नियमो भक्ति ही, तो अपने अपने देवता के अनुसार, माने देवता के, हर देवता की के एक अपना एक नियम, एक विधान, एक नैवेद्य विधि, एक भोग चढ़ाने का एक पद्धति, सब कुछ होता है। तो अपना अपना नियम के अनुसार जो भक्त लोग, अन्य देवताओं के भक्त लोग जो नियम के अनुसार देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवव्रता है। तो देवव्रता लोग कहाँ जाएंगे? देवान यान्ति, तो वे देवता के पास ही चले जाते हैं। किसी भी देवता की आराधना आप करें तो आप किसका फल क्या है, आप उसी देवता के पास आप चले जाओगे। अच्छा, कोई किसी भी लोक में जो जो देवता एक एक लोक में हुए, तो उस लोक में जाकर उसी देवता के पास आप पहुंच जाते हैं। कौन? देवताओं के, देवताओं को आराधना, देवताओं की आराधना करने वाले कोई भी हो, वहीं उसी देवता के पास चले जाते हैं। पितृन अग्निश्वात्तादीन यान्ति पितृव्रताः श्राद्धादि क्रियापराः। देखिए, अग्निशु अत्तादीन माने जो पितृलोग होते हैं, श्राद्ध कर्म, जिस अग्नि में आप पिंड डालते हैं, अन्न डालते हैं, उस अग्नि के द्वारा वो पितृलोग खाते हैं। तो कोई, कई लोग हैं पितृभक्त, पितृभक्त वाले बहुत हैं, तो पितृव्रताः, पितृव्रता माने अनेक प्रकार के श्राद्धादि क्रियापराः पितृभक्ताः, श्रद्धापूर्वक हर अमावस्या को जो तर्पण देना, पितृपक्ष में कुछ पितरों के लिए कुछ करना, हर साल जो श्राद्ध कर्म होते हैं विधि से, अच्छा अच्छी तरह से विधि पूर्वक करना, भक्ति पूर्वक करना पितरों के प्रति, पितरों का जो आदेश, जब जीवन में जब वो पितृ रहते थे तो उनके अनुसार जीवन जीना, ऐसे उत्कृष्ट जो पितर है, तो पितरों को, पितरों, पितृभक्त जो है वह, वे सभी लोग पितृलोक चले जाते हैं पितरों के पास ही। अब देखिए, शास्त्र में पितृ का मतलब, पितृ का मतलब ये नहीं है ये कि इमीडिएट एंसेस्टर्स, समझ में आ गया बात आपको? हर आदमी जो मरा वो पितृलोक में नहीं जाता है, पितृलोक तक पहुंचना भी बड़ा कठिन है। तो माने हर आदमी जो मर गया पितृ बन गया, नहीं, पितृ देवता है, ये लोग देवता लोग है, पितृ देवता लोग है, उनके बारे में बहुत विस्तार से अभी कहने के लिए टाइम नहीं है, मगर ये समझो कि यहां से जो पितृलोक को जा सकते हैं वे कौन हो सकता है? जो अपने जीवन में नियम पूर्वक, धर्म पूर्वक, अनुशासन पूर्वक और सबसे साधना पूर्वक सही ढंग से, अच्छे ढंग से, सद्व्यवहार सदाचार के साथ जीते हैं जीवन पर्यंत, विधि विधान के साथ अपने पितरों के प्रति श्राद्ध कर्म इत्यादि करते हुए, देवताओं को भी आराधना करते हुए, गुरुओं के प्रति श्रद्धा भक्ति रखकर व्यवहार किए गए जितने भी लोग हैं, सदाचार पूर्वक बर्ताव किए गए सब, सभी महात्मा लोग, सभी अच्छे लोग, उनमें से श्रेष्ठ लोग, अत्यंत श्रेष्ठ लोग, उत्कृष्ट लोग ही पितृलोक पहुंच सकते हैं। सब मरा हुआ आदमी पितृलोक में नहीं जाएगा, ठीक है? तो हमारे यदि एक किसी का एक पुत्र हो, तो वो अपना कर्तव्य के अनुसार अपना पितृदेव, पितृ के प्रति, पिताजी के प्रति जो श्राद्ध कर्म करना है करना ही है, वो प्रेम से उनको साल में एक बार अन्न खिलाना,
तर्पण देना ये सब ठीक है, मगर पितृ देव जब बनेगा, देवता जब बनेगा, हमारे ही इस परिवार में, ये कुल में कई लोग ऐसे होंगे आपके पूर्वज जो नियमबद्ध होकर जिए होंगे, तपस्या पूर्वक जीवन जिए होंगे, तो वे सभी लोग पितृलोक चले जाते हैं और वहीं रहते हैं, और कुछ लोग वहीं शाश्वत रहते हैं, कुछ लोग वहाँ अपना अपना कर्म है, कार्य है, तो भगवत आदेश अनुसार वो अपना कर्म में, कार्य में रहते हैं पितृलोक। सो पितृ हो, सो कुछ लोग पितृलोक, पितरों के प्रति श्रद्धा रखने से, उनका आदेश को जीवन में उतारने के लिए प्रयास करके करते हुए जीवन जीने वाले जितने भी हैं, उन पितरों का आदेश को पालन करने के लिए उज्जित हुए जितने भी लोग हैं, और उनमें यदि सफलता प्राप्त हो गई उनको, ये उस तरह का जीवन जैसा पितरों ने मार्गदर्शन दिया उनके अनुसार जीवन जीने में सफल हो गया हो, तो कोई व्यक्ति धर्मपूर्वक जीकर, तो उसको भी पितृलोक में जाने का संभावनाएं ज़्यादा है। समझ आ गए बात आप? तो पितृन यान्ति, पितृन यान्ति पितृव्रता, पितरों के प्रति जो भक्तिपूर्वक व्यवहार करने वाले पितृलोक चले जाते हैं। और भूतान यान्ति भूतानि, भूतानि माने विनायका मातृगणा चतुर्भगिनियादीनी, चतुर्भगिनी इत्यादि मातृका सार्धेर, मातृका विनायक गणा सार्धेर, ये भूतेज माने ये भूतों के अधिपति है मस्त, ये ऐसे देवता लोग है, गण लोक है, ये सभी जो इनके जो आराधना करने वाले उन्हीं के पास चले जाते। एक विनायक नहीं, करोड़ों विनायक है, करोड़ों विनायक है, एक मातृका नहीं, करोड़ों मातृकाएं हैं, एक रुद्र नहीं है, करोड़ों रुद्र है, रुद्रगणास, और एक एक शिव जैसे ही है। अब देखा कि नमकम चमकम में अनेक रुद्रगणास है, एक नहीं अनेक, हजारों सहस्रों हजारों करोड़ों रुद्रगणास, हर जगह पृथ्वी पूरा व्यापक है, हर जगह है। तो ये रुद्रगण, ये भूतान यान्ति, इनकी आराधना करने वाले उन्हीं के पास चले जाते हैं, गणों में एक बन जाएगा, उनके पास जाकर और कुछ सीख के उदाहरण से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यान्ति मद्याजिनो, मद्यजनशीलाः वैष्णवाः, तो वैष्णव भक्त लोग हैं, परमेश्वर भक्त जो लोग हैं, हाँ, मद्याजी, मद्याजी माने मेरा ही नमस्कार भजन पूजन उपासना करने वाले, मेरी आराधना करने वाले माम ये वे मेरे पास आ जाते हैं। समान अपि अन्य आया से माम एव न भजन्ते अज्ञानात्, देखो इन सबकी आराधना करने में आयास प्रयास एक ही जैसे ही है, जितना कष्ट आप भगवत भक्ति के लिए उठाना पड़ता है उतना ही कष्ट आप और अन्य देवताओं की आराधना के लिए ही व्यतीत करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। आयास में, मेहनत में कोई कम नहीं है, मगर अज्ञान के कारण वही मेहनत यदि भगवत के प्रति आप उसका घुमाकर, भक्ति को भगवान की ओर घुमाकर आप यदि वही मेहनत करने से भगवान मिल जाता है, ईश्वर मिल जाता है, मगर वही मेहनत अन्य देवताओं के लिए भी करनी पड़ती है, लगानी पड़ती है, और ऐसे लगाने से क्या फ़ायदा, अज्ञान के कारण बाकी देवताओं के पास चले जाते हैं, वही उसी मेहनत से भगवत प्राप्ति भी हो सकती है, हो जाती है। तो आचार्य शंकरा कहते हैं समाने अपि आयासे माम एव न भजन्ते अज्ञानात्, आयास में समान है, प्रयास में, कष्ट में समान है, मगर अज्ञान के कारण वे मेरे भजन नहीं करते, अन्य देवताओं के भजन आराधना करते हैं, तेन ते अल्पफलबाजो भवन्ति इत्यर्थः, इसी के कारण उनको अल्पफल ही मिलेगा, देवताओं के पास जाकर जो कुछ मिलता है वही मिलता है, कष्ट ज़्यादा फल कम, इसे वही उसी कष्ट ईश्वर की प्राप्ति के लिए आप करेंगे तो ईश्वर ही मिल जाता है। ये है न केवलम मद भक्तानाम
ಅನಾವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣಂ ಅನಂತಫಲಂ ಸುಖಾರಾಧನ ಚ ಅಹಂ ಕಥಂ ನ ಕೇವಲ ಮದ್ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಅನಾವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣಂ. ಮೇರೆ ಜೊ ಭಕ್ತ ಕರ್ನೆ ವಾಲ ಭಕ್ತಿ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಉನ್ಕೋ ಫಲ್ ಕ್ಯಾ ಮಿಲೇಗಾ ಅನಾವೃತ್ತಿ ಫಲಂ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ನಹಿ ರಹಿತಿ. ಮೇರೆ ಪಾಸ್ ಜೊ ಆ ಜಾತೆ ಹೇ ವಾಪಸ್ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಲೌಟ್ ಕರ್ ಸಂಸಾರ ಮೇ ಪ್ರವೇಶ ಕರ್ಕೆ ಫಿರ್ ಸಂಸಾರ ಕೆ ಚಕ್ಕರ್ ಮೇ ಫಿರ್ ಘೂಮ ಕರ್ ಫಿರ್ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ಕಷ್ಟ ಉಠಾನಾ ಇಸ್ಕಾ ಯ ಸಾರಾ ಝಂಝಟ್ ಕಥಮೇ ಹೋ ಜಾತಿ ಹೇ ಹಮೇಶಾ ಕೆ ಲಿಯೇ ತೋ ಅನಾವೃತ್ತಿ ಪಲಕ್ಷಣಂ. ಔರ್ ಫಲ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಅನಂತ ಫಲಂ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಮೈ ಹೀ ಅನಂತ ಹೂಂ. ಜೊ ಮೇರೆ ಪಾಸ್ ಆ ಜಾತೆ ಹೇ ಮುಜ್ ಮೇ ಲೀನ್ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೇ ತೋ ಉನ್ಕೋ ಭಿ ಫಲ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಅನಂತ ಫಲ ಹೀ ಮಿಲೇಗಾ. ತೋ ಫಲ ಅನಂತ ಹೇ ವಾಪಸ್ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಲೌಟ್ ಕರ್ ಆನಾ ನಹಿ ಪಡ್ತಾ ಮನೆ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಮನೆ ಫಿರ್ ಇಸ್ ಚಕ್ಕರ್ ಮೇ ಅಜ್ಞಾನ ಕೆ ಚಕ್ಕರ್ ಮೇ ಕಭಿ ನಹಿ ಪಡ್ತಾ ತೋ ಭಿ ಇಸ್ಕೆ ಅಲಾವಾ ಇಸ್ಕೆ ಅಲಾವಾ ತೋ ತೋ ಐಸಾ ಫಲ ದೇನೆ ವಾಲಾ ಜೊ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಕಿ ಆರಾಧನಾ ಬಹುತ್ ಕಠಿಣ ಸೇ ವೋ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಉಸ್ಮೇ ಕಠಿಣಾಯಿ ತೋ ಹೋ ಸಕ್ತಿ ಹೇ ಕ್ಯಾ. ಭಗವಾನ್ ಕೇತೆ ಹೇ ನೈ 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 ಸುಖಾರಾಧನ ಅನಂತ ಫಲ ದೇನೆ ವಾಲಾ ಹೂ ಮಗರ್ ಮೇರಿ ಆರಾಧನಾ ಕರ್ನಾ ಬಡಾ ಆಸಾನ್ ಹೈ ಕೋಯಿ ಝಂಝಟ್ ನೈ ಕೋಯಿ ಪ್ರಯಾಸ ನೈ ಹೇ ಕೈಸೆ ಸಂಭವ. ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯೋ ಮೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಚ್ಛತೆ ತದಹಂ ಭಕ್ತ್ಯುಪಹೃತಂ ಅಶ್ನಾಮಿ ಪ್ರಯತಾತ್ಮನಃ. ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯೋ ಮೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಚ್ಛತೆ ತದಹಂ ಭಕ್ತ್ಯುಪಹೃತಂ ಅಶ್ನಾಮಿ ಪ್ರಯತಾತ್ಮನಃ. ಭಗವಾನ್ ಕೇತೆ ಹೇ ಕಿ ದೇಖಿಯೆ ಬಸ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇ ಮತ್ಲಬ್ ಹೇ ಬಸ್ ಮೇರೆ ಪಾಸ್ ಆನೆ ಕಾ ಕ್ಯಾ ಮಾರ್ಗ ಹೇ ಸುಗಮ ಮಾರ್ಗ ಹೇ ಭಕ್ತಿ. ಮೇರಿ ಭಕ್ತಿ ಕರೋಗೆ ಬಸ್ ಸಬ್ ಕುಛ್ ಹೋ ಗಯಾ ಸಾರಾ ನಿಯಮ ಯೇ ವೋ ವ್ರತ ಕಠಿಣಾಯಿ ಸೇ ಕರ್ನೆ ವಾಲ ಜೊ ತಪಸ್ಯಾ ಸಬ್ ಕುಛ್ ಕೋಯಿ ಜರೂರಿ ನಹಿ ಹೇ. ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಜೋ ಕುಛ್ ಭಿ ಸಮರ್ಪಣ ಕರ್ತಾ ಹೇ ಮೇ ಉಸೆ ಬಡೇ ಪ್ರೀತಿ ಸೇ ಮೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ. ಬಸ್ ಮತ್ಲಬ್ ಏಕ್ ಹೀ ಹೋನಿ ಚಾಹಿಯೆ ಭಕ್ತಿ. ದಂಭ ಸೇ ಅಹಂಕಾರ ಸೇ 17ವ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೇ ಆಯೇಗಾ ದಂಭ ಅಹಂಕಾರ ಸಂಯುಕ್ತಂ. ಜೊ ರಜೋಗುಣಿ ವಾಲ ಜೊ ಪೂಜಾ ಕರ್ತೆ ಹೇ ನಾಮ ಕಮಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ದಿಖಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ದಂಭಪೂರ್ವಕ ಯಜನ ಕರ್ತೆ ಹೇ ರಾಕ್ಷಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವಾಲೆ ರಜೋಗುಣ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವಾಲೆ ಇಸ್ ತರಹ ಕಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಸ್ ತರಹ ಕಾ ಪೂಜಾ ಸೇ ಕೋಯಿ ಪ್ರಯೋಜನ ನಹಿ ಮಿಲ್ತಾ ಇಸ್ ತರಹ ಕಿ ಪೂಜಾ ಸೇ. ತೋ ಭಗವಾನ್ ಕೇತೆ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ. ಜೊ ಪತ್ತೆ ಚಡಾ ದೋ ಏಕ ಬೇಲ್ ಪತ್ತೆ ಲೇಕರ್ ಕೆ ಚಡಾ ದೋ ಭಗವಾನ್ ಶಿವಜಿ ಕೆ ಊಪರ್ ಖುಷ್ ಹೋ ಗಯಾ. ಏಕ ತುಳಸಿ ದಲ್ ಲೇಕರ್ ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಕೆ ಚರಣೋ ಮೇ ಅರ್ಪಣ ಕರ್ ದೋ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಕೆ ಚರಣೋ ಪೇ ಅರ್ಪಣ ಕರ್ ದೋ ಬಸ್ ಖುಷ್ ಹೋ ಗಯಾ ವಿಷ್ಣು ಭಗವಾನ್. ಏನೈ ತೋ ಪುಷ್ಪ ಕೋಯಿ ಭಿ ಪುಷ್ಪ ಲೇ ಲೋ ಬಸ್ ಸಿರ್ ಪೇ ರಖ ದೋ ಭಗವಾನ್ ಮೇರಿ ಯಹೀ ಹೇ ಭಕ್ತಿ ಸೇ. ಭಕ್ತಿ ಸೇ ಕೌನ್ಸಾ ಯೇ ಭಕ್ತಿ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಹೋನಿ ಚಾಹಿಯೇ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ. ಔರ್ ಫಲಂ ಕೋಯಿ ಫಲ ಮಿಲಾ ಬಸ್ ಚಡಾ ದೋ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಂ. ದೇಖೆ ತೋಯಂ ಊ ಭಿ ನಹಿ ತೋ ಉದಕಂ ಬಸ್ ಏಕ ಲೋಟಾ ಜಲ್ ಲೇ ಲೋ ಭಗವಾನ್ ಶಿವಜಿ ಕೆ ಊಪರ್ ಡಾಲ್ ದೋ ಆಶುತೋಷ ಹೇ ವೋ ಬಹುತ್ ಖುಷ್ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ. ಬಸ್ ಸಿರ್ಫ್ ಜಲ್ ಚಡಾನೆ ಸೇ ಹೀ ಭಗವಂತ ಬಹುತ್ ಬಡೀ ಭಕ್ತಿ ಹೇ ಔ ಭಗವಾನ್ ಬಹುತ್ ಶೀಘ್ರ ಖುಷಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೇ ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರ ಮನೆ ಜೋ ಕುಛ್ ಭಿ ಹೇ ಮನೆ ಆಪ್ ಬಡೇ ಬಡೇ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಸೇ ತಪಸ್ಯಾ ಕರ್ನಿ ಪಡ್ತಿ ಹೇ ಏ ಕೋಯಿ ಭಾವನಾ ಜರೂರಿ ನಹಿ ಹೇ. ರೋಜ್ ಏಕ ತುಳಸಿ ದಳ ಚಡಾ ದೋ ಯಾ ಬೇಲ್ ಪತ್ತೆ ಚಡಾ ದೋ ಏಕ ಪುಷ್ಪ ಚಡಾ ದೋ ಥೋಡಾ ಜಲ್ ಚಡಾವ್ ಬಸ್ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೋ ಗಯಾ. ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ತದಹಂ ಪತ್ರಾದಿ ಪತ್ರಾದಿ ಪತ್ರ ಮನೆ ಪತ್ರ ಪತ್ತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಉಪಹೃತಂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕಂ ಪ್ರಾಪಿತಂ. ಬರೀ ಭಕ್ತಿಭಾವ ಸೇ ಜೊ ದಿ ಜಾತಿ ಹೇ ಮೈ ಅಶ್ನಾಮಿ ಮನೆ ಗೃಹ್ನಾಮಿ ಅಶ್ನಾಮಿ ಖಾತಾ ನೈ ಇದರ್ ಮೈ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರ್ತಾ ಹೂ. ಭಕ್ತಿಭಾವ ಸೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರ್ತಾ ಹೂ ಮನೆ ಯೇ ಭಗವಾನ್ ಏ ಕಭಿ ಸ್ವೀಕಾರ ನಹಿ ಕರ್ತಾ ಕಿ ಉನ್ಕು ಜರೂರ ಹೇ ಅವಶ್ಯಕ ಹೇ ಇಸ್ಲೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರ್ತಾ ಹೇ ಕೋಯಿ ಜರೂರಿ ನಹಿ ಹೇ. ವಾಸ್ತವ ಮೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರ್ನಾ ಗ್ರಹಣ ಕರ್ನಾ ಯೇ ಔಪಚಾರಿಕ ಹೀ ಹೇ ಉನ್ಕೆ ಲಿಯೇ ವೋ ತೋ ಪೂರ್ಣ ಹೇ
देखिए कि सरल उदाहरण क्या है, एक बच्चा माँ के पास जा कर के वो खाता हुआ आइसक्रीम को थोड़ा खिलाना चाहता है माता जी को, बस इस चेष्टा को देखकर ही माता खुश हो जाती है, गले लग जाती है, बड़ा मेरा प्यारा है, मेरे लिए आइसक्रीम लाया, खाई नहीं माता, वो बोल रहे खाओ खाओ, नहीं बेटा बस ये लाया बहुत खुशी की बात है, तुम खाओ तुम खाओ, तुम खाया तो इसका मतलब मैं भी खाई हूं नहीं। वहां पे क्या है, बिना खाए माता जी को सुख या क्या बोलते हैं तृप्ति मिल गई कि नहीं, स्वीकार तो नहीं किया, मगर इस चेष्टा को देखकर ही प्रसन्न हो जाती है माता। देखिए यही उदाहरण आप उसी को भगवान के सामने रख दो, हमारी जो चेष्टा जो है भक्ति प्रेम से, आप प्रेम से भगवान को समर्पण कर दिया, दिया प्रेम से, वो भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, तुरंत आपको आशीर्वाद दे देता है। ये मत समझो कि भगवान को ये चाहिए वो चाहिए इसीलिए मैं चढ़ाया, मैंने बनवाया, मैंने किया है, मैंने करवाया, बेचारा भगवान बिना छत पड़े रहे थे कई साल पेड़ के नीचे, मैंने मंदिर बनवाया, मैंने ये बनवाया, मैं भगवान को आराम दिया, तू भगवान को आराम दिया, तो ये है व्यवहार में बस शुद्ध बुद्धे प्रयतात्मन, माने शुद्ध अंतकरण वाला होना चाहिए, बस प्रयतात्मन माने बड़ी शुद्ध अंतकरण से, अत्यंत शुद्ध अंतकरण से यदि आप कुछ भी समर्पण कर दे बस तुरंत आपको आशीर्वाद भी मिल जाती है, तृप्ति भगवान को मिलती है, स्वीकार करते हैं। इतना भी घमंड आ गया, गर्व आ गया, हम जो कुछ भी चढ़ाते हैं उसमें कोई महत्व नहीं, महत्व नहीं रहती, क्यों नहीं रहता, इसलिए कि अहंकार से हम व्यवहार करते हैं। भगवान कहते हैं भक्ति पूर्वक माने शुद्ध अंतकरण से, निर्मला अंतकरण से आप भगवान की प्रार्थना करें, उन भक्तों का जो आलाप विलाप भगवान तुरंत सुना और तुरंत उन लोगों को आशीर्वाद दिया, उनके कष्टों से अपने कष्टों से उन सभी भक्तों को उद्धार भी किया, इस तरह के कहानियां बहुत है कि नहीं। देखिए तो भक्त परवशः, भक्ति से ही उनको भगवान को परवश कर सकते हैं, बस शुद्ध बुद्धे है। तो बस आप जीवन में हम क्या किए क्या नहीं किया इस सब को छोड़ दो, आप जो कुछ भी, तो भगवान कहते हैं यथा एवं अतः, और किसी महात्मा जी ने व्याख्यान करते समय उन्हें कहा तो ठीक है भगवान कौन जल लाएगा, नदी के पास नदी जाना, कुएं के पास जाना, जल उतारना, जल निकाल के उसमें से फिर भरना, फिर आपके पास जाना, चढ़ाना, वो पत्ते तोड़ना, फूल तोड़ना, ये भी थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है। तो भगवान कहते हैं भैया मेरे लिए खास करके कुछ भी मत करो, यदि तुम्हारे लिए ये भी सचमुच मुश्किल हो, तुम्हारे लिए यदि इस तरह का काम करने में आपको दिक्कत है, इसमें माने जल चढ़ाना एक कर्म है, फूल तोड़कर चढ़ाना ये भी कर्म है, ये भी थोड़ा मुश्किल से है, प्रयास करनी पड़ती है, प्रत्येक प्रयास इसमें यदि आप सोचेंगे कि इसके लिए भी समय निकालना पड़ता है, समय निकाल के ही पूजा आराधना करनी पड़ती है, ये मेरे से ये भी संभव नहीं हो सकता, तो भगवान कहते और भी सरल कर दिया, ठीक है भाई मुझे पत्ते भी नहीं चाहिए, फूल भी नहीं चाहिए, फलम भी नहीं चाहिए और जल भी नहीं चाहिए, तो और एक काम करो, तो मैं क्या करूं, इसके इससे भी आसान
और क्या हो सकता है? यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान कहते हैं तो ठीक है, इससे भी सरल आसान चीज क्या है? तो ठीक है भैया, जीवन में आप कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, करे बिना कोई रह नहीं सकता। कुछ ना कुछ कर ही रहते, हर आदमी कुछ ना कुछ करते ही है ना, सवेरे से लेकर के फिर रात तक। तो भगवान कहते हैं जो कुछ भी तू करता है, यत करोशी, ठीक है, जो कुछ भी करते हो, यदश्नासी, जो कुछ भी खाते हो, यज्जुहोषी, जो कुछ भी होम करते हो, ददासियत, जो कुछ भी किसी को भी देते हो, यत् तपस्यसी, जो कुछ भी तुम तपस्या करते हो, ओ कौन्तेय, जो कुछ, जो भी कुछ तुम्हारे जीवन में जो कुछ व्यवहार चल रहा है, इन सारे व्यवहार बस ऐसी भावना से कर लो कि मदर्पणम, मेजी को अर्पण करके कर लो। इससे बड़ा आसान क्या है? पत्रम पुष्पम बलम, तो इनसे भी ये आसान है, क्योंकि विशेष रूप में जल ले आना, विशेष रूप में फल तोड़ना, विशेष रूप में पत्ते तोड़ना, विशेष रूप में कुछ ये प्राप्त कर भगवान को समर्पण करना, पत्रम पुष्पम इत्यादि, इससे भी सरल चीज क्या है? आप जैसा जीवन जी रहे हैं वैसे ही जियो, बस मेरी याद से जियो, लगातार निरंतर चिंतन से जियो, और जो कुछ भी तुम करते हो मेरे अर्पण कर दो मुझे, और कुछ फलापेक्षा बिल्कुल अपेक्षा मत रखो, जो अच्छा हो बुरा हो, जो भी फल है फल, कुछ भी आप चिंता मत करो, हर समय हर पल में आप जो कुछ भी करते हो ये परमात्मा के लिए ही मैं कर रहा हूँ, ऐसी विश्वास से भावना से आप करते रहो बस। देखिए, यत करोषि स्वतः प्राप्तम, यत करोषि माने तू, यत करोषि माने जो कुछ भी तू करता है, जो कुछ भी तू करता है माने क्या करता है, जो कुछ में स्वतः प्राप्तम माने प्रारब्ध के अनुसार जो जो कर्म जीवन में करना पड़ता है, अपने प्रारब्ध के अनुसार जिन जिन व्यक्तियों के साथ मुलाकात, जिन जिन व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना पड़ रहा है, प्रारब्ध के अनुसार जिन जिन कर्मों का मैं अधिकारी बन गया हूँ, प्रारब्ध के अनुसार जो जो कर्म कर्तव्य के रूप में मेरे सामने उपस्थित हो गया हो, ठीक है, नहीं इसी कहते स्वतः प्राप्तम। स्वतः प्राप्तम माने आप ढूंढा नहीं, मैं क्या करूं ऐसा कर्म ढूंढकर नहीं करते, कर्म अपने आप आ गए आपके सामने। देखिए, किसी ने पूछा, किसी ने बुलाया, किसी ने कुछ काम दिया आपको, या रुक जी रिक्वेस्ट किया तो वो काम आपके पास आ गया। देखिए, तो ये इस समय क्यों आया ऐसा काम, ऐसा कभी पूछना नहीं चाहिए। जैसे समझो कि घर की रानी, बहू या रानी जो भी समझो, तो सारी मेहनत करने के बाद खाना बना दिया, खाना बनने के बाद बच्चे खा लिए, सब लोग सब कुछ खा लिया, खुद खा ली, खाने के बाद फिर आराम करने लग गई, उस समय कोई अतिथि आ गए दो तीन लोग भोजन के समय में, तो पूछा कि आपने भोजन खाया, ऐसा नहीं पूछना, भोजन खाए होंगे, पानी पी के आए होंगे, ऐसा नहीं, आपने भोजन किया नहीं, किया नहीं, हम सोचा कि आप ही के घर में खा लेंगे, फिर सोने वाली थी और फिर उठ के फिर चावल चढ़ाना, आटा गूंदना, फिर रोटी बनाना, सब्जी बनाना,
ये बड़ा कार्यक्रम है। और डांटते डांटते गान अपने आप को बताना है क्या क्या बोलते हैं अपने आप को और लोगों को भी, आने वाला अभी आना है क्या, इसी दिन आना है क्या, मैं काम कर करके मर रही हूँ, ये तो स्वतः प्राप्तम। इसका अर्थ क्या है? स्वतः प्राप्तम, वो अपने आप कर्म आ गए आपके सामने और आपका कर्तव्य है, ये धर्म है, उसको इंकार मत करो। स्वतः प्राप्तम का मतलब एक उदाहरण के द्वारा समझा दिया मैं आपको। इसी तरह प्रत्येक पल में स्वतः प्राप्तम कर्म अपने आप आ जाते हैं सामने, उसको करना ही पड़ता है, वो धर्म के अनुसार, आप आपके धर्म की सीमा के अंदर ही है, वो धर्म की सीमा के बाहर नहीं है, अंदर है। तो जो आप धर्म क्षेत्र बोलते हैं उस धर्म क्षेत्र के अंदर ही है। देखिए स्वतः प्राप्तम, तो जो कुछ भी आप करते हैं मुझको अर्पण करके करो। अब इस रूप में इस समय भगवान ही अतिथि रूप में आए हैं, भगवान ही इस रूप में आए हैं और अग्निदेव वैश्वानर को तृप्त करना है, इसलिए सबको प्रेम से खिलाओ। यही जीवन है, यही साधना है। हमारे जीवन में कुछ नहीं होना चाहिए, हम सबको जैसे शांति मिलनी चाहिए, जैसे मैं सोचता हूं वैसे होना चाहिए, इस तरह का चिंतन ठीक नहीं है। स्वतः प्राप्तम, जब आप चलो सो गए रात को 10:30 बजे, तब मैं आके घर घर कटकटाता हूं भूख लग रही है, आप क्या करोगे? अच्छा स्वामी जी भूख लग रही है, हाँ जी क्या खाओगे? दलिया। दलिया नहीं घर पे, लेके आओ। फिर कपड़ा जो घर पे पहना हुआ कपड़ा को उतार कर फिर बाहर जाने वाला जो कपड़ा वो पहन कर फिर गाड़ी चला, गाड़ी शेड में रख दिया, फिर गाड़ी का ताला लगा दिया पूरा, फिर सारा संसार को बाहर लेकर ये फिर डांटना नहीं, स्वामी अभी क्यों आए हैं? आया तो आया, कुछ ना कुछ जो कुछ है वो खिला सकते हैं ना, जो चुपचाप खा के जा सकते हैं ना, नहीं दलिया ही चाहिए उनको। तो पूछा क्यों क्या खाओगे? स्वतः प्राप्तम, कौन? प्रारब्ध रूप में स्वामी आपके घर में आ गया। डरो मत, अभी रात में आराम से सो जाओ, ज्यादा डरना नहीं। स्वतः प्राप्तम, कई बार मैं चलो ठीक है सारा काम हो गया बहुत थक गए हम, चलो 15 मिनट लेटते हैं, उसी समय कोई आता है, उसी समय सोने वाला सोने थोड़े आराम करो, उस समय कोई फोन कॉल आ गया, कोई ये हो गया, कोई उधर हो गया, फिर नींद उड़ गई, नींद आई नहीं, मैं चलो ठीक है जब गेट अप एंड अगेन स्टार्ट वर्किंग। स्वतः प्राप्तम, ये बड़ा अद्भुत है भाष्य, जितना आप सोच सकते हैं ना भाष्य में उतना अच्छा मजा आपको मिलता है, रस ही रस। और यदश्नासी जो खाते हैं, यच्च जुहोषी हवनम निर्वर्तयसी श्रोतम स्मार्तम वा श्रोत कर्म या स्मार्त हवन, जो भी कुछ आप करते हैं, यद ददासी प्रयच्छसी ब्राह्मणादिभ्यो हिरण्य अन्न आज्यादि, कभी किसी को जो भी कुछ भी आप देते हो ब्राह्मण इत्यादि दक्षिणा के रूप में, कभी सोना दिया किसी को अन्न दिया प्रदान किया, किसी को आद्य घी दान दिया, या तपस्यसी तपःचरसी जो कुछ तपस्या करते हो, एक औंतेय तत् कुरुष्व मदर्पणम मत समर्पणम, बस सब मेरे समर्पण कर लो, बस यही तुम्हारे तपस्या हो गई, सब कुछ मेरे को मुझको अर्पण कर लो भाई, तुम खाली हो जाओगे, क्योंकि इतना भी फल भोगना चाहते हो तो वहां पे तुम्हारा अंतकरण अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि फल की कांक्षा में ही अंतकरण अशुद्ध हो जाता है। तो करना क्या? कुछ भी नहीं करना, जो कुछ आप करते हैं स्वतः प्राप्तम कर्म,
इसी तरह सती अनसूया, सती सावित्री, वे लोग का जंगल में गए क्या तपस्या के लिए? कहीं भी नहीं गया, और इतना वो इतने तेजस्वी हो गए थे कि सूर्य को रोक दी नहीं। अच्छा, सूर्योदय होने से ना, सूर्योदय होने से मेरे पति मर जाएंगे ना, इसका मतलब मर जाएगा, इसका मतलब सूर्योदय तो होना चाहिए ना, तो होने नहीं दूंगी। फिर सारे देवता लोग आ गए, भैया ये मैया ऐसा मत करो नहीं। सती अनसूया बहुत सारे लोग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को बच्चों बना दिया, तीनों बच्चे साक्षात ब्रह्म विष्णु बच्चे बना, बच्चों को बना दिया और दूध देने लगी, और उनके पत्नियां ढूंढ रहे कि ब्रह्मा जी कहाँ गए, पत्नी हमें विष्णु जी कहाँ गए, शिव जी कहाँ गए। इनकी तपस्या देखो, क्या बड़े बड़े कठोर तपस्या किए? नहीं। वहां पर एक पति की सेवा करते 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 कौशिक ब्राह्मण को अन्न देने में कुछ देरी हुई, तो कौशिक ब्राह्मण को भी गुस्सा आया। वे कहती है कि मैं जंगल में पेड़ में पक्षी नहीं हूं जलकर मरने के लिए। महाभारत में कथा है धर्मव्याद का, तो जाओ धर्मव्याद के पास जाओ, वो सिखाएगा तेरे को धर्म के बारे में। वो कहां गई? कुछ कहीं भी नहीं गई, घर पे रहती थी। ये बड़ा अज्ञान की बात यही है वास्तव में। यदि ये समझ में आ गया तो बस साधना सफल हो गए समझो, कि वास्तव में जीव को मैं ही परमात्मा हूं इसका ज्ञान होने के लिए और इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए वास्तव में कहीं भी जाने का कोई जरूर नहीं है। आप जहां हैं, जो कर्म आप स्वतः प्राप्त हो जाता है आपके पास, उसी को करो। इच्छा से रजोगुण पूर्वक, इच्छा पूर्वक कोई कुछ प्राप्त करने के लिए, आशा से, कोई अपेक्षा से, कोई किसी भी तरह का कल्पना मत करो। स्वतः आपके पास यदि आ जाए प्रारब्ध के अनुसार स्वीकार करो उसको, नहीं तो त्याग दो। माने पूछो भी मत, आप अपेक्षा भी मत रखो। वास्तव में कहीं भी जाने का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं सर्वव्यापक ब्रह्म हूं। जहां है वहीं रहो, एक दिन शरीर गिर जाएगा, गिरने दो। अब कहां जाओगे? आप स्वामी जी मैं हम उस स्थिति में नहीं है, हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो नीचे गिरते जाओगे, फिर बहुत सारी सामग्री जुटानी पड़ती है। जितना नीचे गिरोगे उतना सामग्री आपको जुटानी पड़ती है। नहीं तो मैं अपने आप में स्थित हूं, कोई कुछ भी नहीं जरूरी नहीं है वास्तव में। तुलना करना, आक्षेप करना, अपेक्षाओं के साथ जीना, मैं अपने आप में पूर्ण हूं, बस फुल स्टॉप। तो भगवान कहते हैं स्वतः प्राप्तम, यत करोषि यदश्नासि यद जुहोषि यद ददामेन यद ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। बस एवं कुर्वतः तव यद भवति तत् शृणु, ऐसा करने से आपको जो मिलता है उसको सुनो। क्या मिलेगा मुझे? सुनो, शुभा शुभ फलैरेवम् मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि शुभा शुभ फलैरेवम् मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इसका फल क्या है? बस सब ये बंधनों से छूट जाओगे। क्या बंधन क्या है? शुभ और अशुभ फल रूपी, राग के कारण शुभ फल चाहते हैं और जहां पे अशुभ से हम छुटकारा पाना चाहते हैं उन चीजों के प्रति द्वेष। देखिए
ಶುಭಾಶುಭ ಫಲೈ ಏವಂ ಶುಭ ಅಶುಭೆ ಇಷ್ಟ ಅನಿಷ್ಟ ಫಲೇ ಯೇಷಾಂ ತಾನಿ ಶುಭ ಅಶುಭ ಫಲಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ತೈಹಿ. ಶುಭಾಶುಭ ಫಲೈ ಮಾನೆ ಕರ್ಮಾಣಿ, ಸಾರೆ ಇನ್ ಸಾರೆ ಕರ್ಮ. ಕ್ಯೋಂಕಿ ದೇಖಿಯೆ, ಕುಚ್ ಶುಭ ಚಾಹಿಯೆ ತೋ ಆಪ್ ಶುಭ ಕರ್ಮ ಕರ್ನಾ ಚಾಹತೆ ಹೇ, ಶುಭ ಫಲ ಕಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ತೋ ಕಾಂಕ್ಷಾ ರಖತೆ ಹೇ, ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ರಖತೆ ಹೇ, ಶುಭ ಫಲ ಚಾಹಿಯೆ ಆಪ್ಕೋ ತೋ ಶುಭ ಫಲೋ ಕೆ ಪೀಚೆ ಭಾಗತೆ ಹೇ, ದೌಡತೆ ಹೇ, ಇಸ್ಕಿ ರಚನಾ ಕರತೆ ಹೇ, ಯೋಜನಾ ಬನಾತೆ ಹೇ, ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಕರ್ಮ ಕರತೆ ಹೇ, ಹೈ ಕಿ ನಹೀ. ಮನೆ ಇನ್ ಸಬ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ರಾಗ ಹೇ, ರಾಗ ಆ ಗಯಾ. ಔರ್ ಜಿನ್ ಜಿನ್ ವಸ್ತುವೋ ಸೇ, ಜಿನ್ ಜಿನ್ ಸ್ಥಿತಿಯೋ ಸೇ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೋ ಸೇ, ಸಂಘಟನೋ ಸೇ ಆಪ್ ದೂರ ಜಾನಾ ಚಾಹತಾ ಹೇ, ಜೋ ಜೋ ಆಪ್ಕೋ ದುಃಖ ದೇ ರಹಾ ಹೇ ಉಸೆ ದೂರ ಜಾನಾ ಚಾಹತಾ ಹೇ, ಸೋ ಜೋ ದೋ ಭೀ ದುಃಖದಾಯಕ ವಸ್ತುವೇ ಹೇ ಇನ್ ಸಭಿ ವಸ್ತುವೋ ಕೆ ಪ್ರತಿ ಆಪ್ಕೋ ದ್ವೇಷ ಹೋಗಾ. ಕ್ಯೋಂಕಿ ಜಹಾಂ ಪೇ ರಾಗ ಆ ಗಯಾ ತೋ ದ್ವೇಷ ಭೀ ಆ ಗಯಾ. ತೋ ಮನೆ ಮೇರಾ ಸಾರಾ ಜೀವನ ಕ್ಯಾ ಹೋ ಗಯಾ, ಅನಿಷ್ಟ ವಸ್ತುವೋ ಸೇ, ಅನಿಷ್ಟ ಅನುಭವೋ ಸೇ ದೂರ ರಖನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ, ಔರ್ ಅನಿಷ್ಟ ವಸ್ತುವೋ ಓರ್ ಅನಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ ಸಬ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ದ್ವೇಷ. ಸುಖ ದೇನೆ ವಾಲೆ ಜಿತ್ನೆ ಭೀ ವಸ್ತುವೇ ಹೇ, ಜಿತ್ನೆ ಭೀ ಲೋಗ್ ಹೇ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇ, ಸಂಘಟನ ಹೇ, ಇನ್ ಸಬ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ರಾಗ. ತೋ ಇನ್ ರಾಗ ಕೆ ದ್ವಾರ ಶುಭ ಫಲ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಮಾಂಗತೆ ಹುವೆ, ಔರ್ ಈ ದ್ವೇಷ ಕೆ ಕಾರಣ ಅಶುಭ ಫಲ ಕೋ ದೂರ ರಖನ ಇಸಿ ಎ ಪ್ರಯಾಸ ಮೇ, ಮನೆ ಶುಭ ಫಲ ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರಣೆ ಮೇ, ಅಶುಭ ಫಲೋ ಕೋ ಅಶುಭ ಫಲೋ ಸೇ ದೂರ ಅಪನೆ ಆಪ್ಕೋ ರಖನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಇಸಿ ಪ್ರಯಾಸ ಸೇ ಜೀವ ಹರ್ ಜೀವನ ಹರ್ ಸಮಯ ಬಚ್ಪನ್ ಸೇ ಲೇಕರ್ ಕೆ ಜನ್ಮ ಸೇ ಪರ್ ಲೇಕರ್ ಕೆ ಮರಣ ಪರ್ಯಂತ ಇಸಿ ಸಂಘರ್ಷ ಮೇ ಜೀತಾ ಹೈ. ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಹೀ ಬಡಾ ಜೀವನ ಹೈ ಉಸ್ಕಾ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಲ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ಷಣ ಅನುಕ್ಷಣ ಈ ಸಂಘರ್ಷ, ಈ ಲಗಾತಾರ ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಮೇ ವೋ ಫೀಸ್ ರಾ ಫಸ್ ರಾ ಹೈ, ಪೀಸ್ತೆ ಜಾ ರಹ ದೋ ಚಕ್ಕಿ ಕೆ ಬೀಜ ಪೀಸ್ ಜಾತ ಆದಮಿ, ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಹೈ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಹೈ. ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಔರ್ ಅನಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಫಲೋ ಸೇ ದೂರ, ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕೆ ಪೀಚೆ ಭಾಗನ. ಔರ್ ಭಗವಾನ್ ಕಹತೆ ಇಸ್ಕೋ ಇಸ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಕರ್ನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೈ, ತೋ ಜಬ್ ಕರ್ಮ ಕರ್ನಾ ಹೀ ಪಡೆಗಾ, ಕರ್ಮಾಣಿ ತೈಹಿ ಶುಭ ಅಶುಭ ಫಲೈಹಿ. ತೋ ಶುಭ ಶುಭ ಫಲ ಶುಭ ಅಶುಭ ಫಲ ಮಾನೆ ಶುಭ ಕರ್ಮ ಅಶುಭ ಕರ್ಮ. ತೋ ಭಗವಾನ್ ಕಹತೆ ಹೇ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಹಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಏವ ಬಂಧನಾನಿ ಇತಿ. ತೋ ಕರ್ಮ ಹೀ ಬಂಧನ ಹೇ, ಕರ್ಮರೂಪ ಬಂಧನ್ ಸೇ ಚೂಡ್ ಜಾಯೇಗಾ, ಮನೆ ಕರ್ಮ ಏವ ಬಂಧಂ ಬಂಧನಂ. ವಾಸ್ತವ ಮೇ ಶುಭ ಕರ್ಮ ಹೋ ಅಶುಭ ಕರ್ಮ ಹೋ ಕರ್ಮ ಹೀ ಬಂಧನ ಹೇ. ದೋನೋ ಮೇ ಪ್ರಯಾಸ ಹೈ, ಯದಿ ಆಪ್ಕೋ ನ ಸುಖ ನಹೀ ಚಾಹಿಯೆ, ಸುಖ ನಾ ಚಾಹಿಯೆ ದುಃಖ ಭೀ ನಹೀ ಚಾಹಿಯೆ, ದೋನೋ ಕೋ ಆಪ್ ತ್ಯಾಗ ದಿಯಾ ತೋ ಕ್ಯಾ ಹೋಗಾ, ಇಸ್ ಬಂಧನ್ ಸೇ ಆಪ್ ಚೂಟ್ ಜಾವೋಗೆ. ಅಚಾನಕ್ ಮೇರೇ ಸಾಥ್ ಮೇರೇ ಜೀವನ ಮೇ ಐಸಾ ದುಃಖದಾಯಕ ಘಟನಾ ಘಟಿ, ಇಸಿಲೇ ಮೈ ದುಃಖಿ ಹೂಂ. ಮನೆ ಇಸ್ಕಾ ಮತಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಇಸ್ ತರಹ ಕಿ ದುರ್ಘಟನಾ ಆಪ್ಕೆ ಜೀವನ ಮೇ ಹೋಗಾ ಐಸಾ ಕಭಿ ಭೀ ಕಲ್ಪನಾ ಆಪ್ನೆ ನಹೀ ಕಿ ಹೈ ನಾ. ಹಾಂ ಜಿ, ಕಿಸ್ ತರಹಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪನಾ ಕಿಯಾ ಫಿರ್? ಮನೆ ಮೇರೆ ಜೀವನ ಮೇ ಅಚ್ಚೆ ಅಚ್ಚಾ ಹೀ ಹೋಗಾ, ಜೀವನ ಮೇ ಸಾರೇ ಅಚ್ಚೆ ಘಟನ ಸಂಘಟನ ಹೀ ಹೋಗಾ ಐಸೇ ಮೈ ಕಲ್ಪನಾ ಕರ್ತೆ ಆಯಿ ಹೂ ಕರ್ತೆ ಆಯಾ ಹೂ. ಅಚ್ಚಾ ಇಸ್ಕಾ ಮತಲಬ್ ಕ್ಯಾ, ಕುಚ್ ಕಲ್ಪನಾ ರಖಾ ಹೈ ಮನ್ ಮೇ? ಹಾಂ ಜಿ, ಇನ್ ಕಲ್ಪನಾಂ ಕೋ ರಖನೆ ಸೇ ಹೀ ಔರ್ ದುಷ್ಟ ಕಲ್ಪನಾ ನಹೀ ಚಾಹಿಯೆ ಐಸೆ ಕಲ್ಪನಾ ಭೀ ಮನ್ ಮೇ ರಖಾ, ಇಸಿಲೇ ಆಪ್ಕೋ ದುಃಖ ಭೋಗನಾ ಪಡ ರಹಾ ಹೈ. ವಾಸ್ತವ ಮೇ ಇನ್ ಸಾರೇ ಕಲ್ ಸಂಕಲ್ಪೋ ಕೋ ಜಿಸ್ನೆ ತ್ಯಾಗ ದಿಯಾ ಉನ್ಕೋ ನಾ ಸುಖ ಹೋತಾ ಹೈ ನಾ ದುಃಖ ಹೋತಾ ಹೈ. ವಾಸ್ತವ ಮೇ ಕುಚ್ ಭೀ ಸುಖ ಔರ್ ದುಃಖ ಏ ಕಲ್ಪಿಕ ಹೈ, ಮನೋಕಲ್ಪಿಕ ಹೈ, ಕಲ್ಪಿತಂ ಮನೋಕಲ್ಪಿತಂ ಕಾಲ್ಪಿಕ ಹೈ. ಏಕದಮ್ ಆಪ್ ಅಪನೆ ಆಪ್ಕೋ ಊಪರ್ ಉಠಾಕರ್ ದೇಖೋ ಮನ್ ಮೇ ಔರ್ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿ ಕೋ ಪಾಕರ್ ಕೆ ದೇಖೋ, ಜೈಸೆ ಆಕಾಶ ಕಿ ದೃಷ್ಟಿ ಸೇ ದೇಖೋ, ಜೈಸೆ ಆಕಾಶ ಮೇ ಸಬ್ ಕುಚ್ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಮಗರ್ ಆಕಾಶ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಹೈ. ಆಪ್ ಹಮ್ ಜಬ್ ತಕ್ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಪರ್ ನಹಿ ಪಹುಂಚತೆ ತಬ್ ತಕ್ ಹಮ್ ಸಾಧನಾ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಸಾಧನಾ ಮಾರ್ಗ ಪರ್ ಚಲನಾ ಹೀ ಅಸಂಭವ. ತೋ ಕರ್ಮಾಣಿಯೋ ಬಂಧನಾನೆ, ತೋ ಕರ್ಮ ಹೀ ಬಡಾ ಬಂಧನ ಹೈ, ತೈ ಹಿ ಕರ್ಮ ಬಂಧನೈ ಏವ ಮತ್ ಸಮರ್ಪಣಂ ಕುರ್ವನ್ ಮೋಕ್ಷಸೆ. ತೋ ಏವಂ ಮತ್ ಸಮರ್ಪಣಂ,
मत एवं मत समर्पणम कुर्वन मोक्ष से, माने इन सारे कर्मों को शुभ शुभ फल ही एवं मोक्ष से कर्म बंधन ही। सो मत समर्पणम कुर्वन, कैसे तो मेरे ही समर्पण कर लो सारे कर्मों को, जो कुछ भी करता है यत करोषि यदश्नासि सब मेरे को अर्पण कर दिया। अर्पण करने के बाद तुमको सुख नहीं है दुख नहीं है। किसी एक सन्यासी अस्पताल में भर्ती हो गया कुछ बीमारी के कारण, उनके गुरु वहाँ पास आ गया, उनके पास पहुँच गया, पहुँच के बाद गुरु से ये पूछता है कि ये कौन सा यह कर्म है मुझे भोगना पड़ रहा है। तो उसने गुरु ने कहा तू तो सन्यासी है, तो सन्यासी को न दुख है न सुख है न फल कुछ भी नहीं है, ये ऐसा दुख है ये दुख पल है ये सुख पल है, ऐसा तुमको नामकरण देना ही तुम्हारे लिए गलत है। तू सन्यासी है ना, तो तुम्हारे लिए कहाँ है कर्म फिर? जब तू सन्यास ग्रहण किया उसी समय तुम्हारा सारा कर्म छूट गया, मगर ये क्या है ईश्वर की प्रसाद ही है, इसका कारण मत ढूंढो। तुम तो शुद्ध चैतन्य हो, प्रकृति में हो रही है सारा खेल, उसको सिर्फ साक्षी मात्र से देखते रहो, क्योंकि तू सन्यासी है। सन्यास ग्रहण करते समय ही तू इन सबको त्याग दिया, सो बाद में बाकी जो रही वो तुम्हारा कर्म नहीं है। अब ये इन कर्म वासनाओं के प्रति वासनाओं के ऊपर अपना है ये मेरा है ये ऐसा कहना भी गलत है। तुम्हारा है कुछ है ही नहीं, वासना भी है ही नहीं, जो कुछ है वो तेरा नहीं है। इसका विश्लेषण करना छोड़ दो। देखिए सो मोक्ष से, इस तरह का जीवन जीने से ये शुभ कर्म अशुभ कर्म सब बंधनों से छूट जाता है। और भगवान कहते हैं स अयम संन्यास योगो नाम संन्यास, ऐसे अयम संन्यास योगो नाम संन्यास च असौ मत समर्पणतया कर्मत्वात् योगश्च असौ इति तेन संन्यास योगेन। इसको कहते हैं संन्यास योग। ये संन्यास योग क्या है बोलते हैं, संन्यास भी आ गया इसमें योग भी आ गया। कैसा संन्यास आ गया? संन्यास योगो नाम संन्यासश्च असौ मत समर्पणतया, परमेश्वर को समर्पण सब कुछ कर दिया, इसीलिए क्या हुआ सब कुछ मुझ में छोड़ दिया, मेरे लिए छोड़ता है इसलिए संन्यास हो गया। ठीक है, संन्यास योग का मतलब क्या है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया इसलिए संन्यास हो गया। और जो कुछ भी तू करता है, हाँ कर्मत्वात् योगश्च मत समर्पणतया कर्मत्वात् योगश्च असौ च इति च तेन संन्यास योगेन। संन्यास सब कुछ छोड़ दिया मुझ में वो संन्यास हो गया, और मेरे लिए तुम कर्म करता है इसलिए वो कर्म योग बन गया। तो दोनों को जोड़ दिया तो वो हो गया संन्यास योग। ऐसे इस संन्यास योग के द्वारा देखिए मत समर्पणतया अयम संन्यास योगो नाम संन्यास च असौ संन्यास च असौ मत समर्पणतया कर्मत्वात् योगश्च असौ इति तेन संन्यास योगेन युक्तः आत्मा अंतकरणम यस्य, जिसका अंतकरण जिस योग से जुड़ गया। कौन सा यह योग? योग का नाम क्या है? संन्यास योग। संन्यास किस लिए कहा गया? सब कुछ मेरे लिए छोड़ देता है इसलिए संन्यास है, और परमेश्वर को समर्पण करने से ही कर्म भी योग बन गया। तो संन्यास और योग दोनों साथ में ला लिया, यहाँ पे ला दिया, और लाकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसको कहते हैं संन्यास योग। देखिए उस योग से जिसने जुड़ गया, योग का अभ्यास करा, जिसका अंतकरण इस योग से भर गया, यस्य तव सत्वम संन्यास योग युक्तात्मा, उसी को कहते हैं संन्यास योग युक्तात्मा। संन्यास योग से युक्त हुए आत्मा माने व्यक्ति या पुरुष, संन्यास योग युक्तात्मा सन, तो संन्यास योग बन गया, संन्यास योगी बन गया, संन्यास योग से के साथ जुड़ गया, तब क्या होगा? विमुक्तः कर्म बंधन ही। कब? जीवन एव पतितेच अस्मिन् शरीरे मां उपेष्यसि आगमिष्यसि,
जीवन जीते समय ही, जीवन काल में ही, जीविता अवस्था में ही क्या है, ये सारे कर्म बंधन से छूट जाता है, कोई फिर चिपकता लिपा वो निर्लिप्त हो गया, खाता पीता घूमता फिरता व्यवहार कर रहा है सब कुछ योग हो गया, सब कुछ परमेश्वर को छोड़ देता है, किसी को रखता नहीं अपने पास, बस स्वामी जी फिर कैसा जीवन जिए, स्वतः प्राप्तम यत करोषी, जो कुछ आपके सामने धर्म के रूप में कर्म के रूप में खड़ा हो गया वो कर्म करो, जो आपके सामने प्रस्तुत नहीं हुआ उसके पीछे मत भरो। हम क्या है ना, हम पड़ोसी का कर्म करना चाहते हैं, कहते वो पड़ोसी का कर्म काम अच्छा है मेरा काम बेकार है, भाई तेरे लिए भगवान जो कर्म भेजा काम भेजा वो करना। जब हम हर कार्यक्रम में वॉलंटियर्स को बना देते हैं, किसी को कुछ डिपार्टमेंट मिलती है वहां पे और किसी को और कुछ मिलता है, वहां पे फिर तुलना करने लग जाते हैं कि देखो तुमको उधर मिल गया मुझे इधर मिल गया, भाई तुमको जो काम दिया गया वही करो। यदि इस कर्म में आप समर्थ नहीं है तो बता सकते हैं, मगर जो गुरु या भगवान है, जो भगवान इस तरह का कर्म आपको कभी नहीं बेचता, आपका जो भोगने योग्य कर्म है वही कर्म आपके पास आएगा। भोगने योग्य कर्म फल, कर्म और कर्म का करने योग्य कर्म भेजेगा और भोगने योग्य कर्म फल भगवान ईश्वर हमको भेजता है। बात समझ में आ रही है? तो कभी यह प्रश्न नहीं पूछना, ये मेरे लिए क्यों आया, मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब मनमानी है, कल्पना है, इस तरह का बोलचाल। तो भगवान कहते हैं ये सन्यास योग के कारण जीवन जीवित माने जीविका जीवन अवस्था में ही जीते हुए भी इन सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे और शरीर गिरने के बाद माम उपैष्यसी मेरे साथ एक हो जाओगे। ठीक है, ये है परमात्मा का राग द्वेष वांतर ही भगवान यतः भक्तान अनुग्रहनाति न इतरान इति तदना। तो इसका मतलब भगवान तो राग द्वेष वाला हो गया क्योंकि उनके भक्तों को भगवान अनुग्रह करते हैं बाकी लोगों को छोड़ देता है, तो नमे भक्त प्रणश्यति भगवान ने कह दिया। ठीक है, और संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपेष्यसि और मदर्पणम करो तो मेरी आराधना करे मुझको अर्पण करे, मुझको अर्पण करने से मेरे भक्त बन जाओगे, मेरे भक्त बन जाओगे तो फिर सभा सारे शुभ कर्म अशुभ कर्म उनसे छूट जाओगे, छूट जाने से सारे कर्म बंधन दूर हो जाएगा, दूर होने से जीवित काल में ही तुमको कोई कर्म का बंधन नहीं लिपता नहीं लेपन नहीं होगा, कर्म का लेपन नहीं होता और मुक्त हो जाओगे और शरीर छोड़ने के बाद सीधा मेरे पास ही आ जाओगे। हे भगवान तू तो राग द्वेषवान हो गया, तेरी आराधना जो करता है उनको मोक्ष दिला देता है बाकी सब लोगों को छोड़ देता है, तो ये तो ये क्या है, यतः भक्तान अनुग्रह नाती न इतरान, भक्त लोगों के ही तुम उन पर ही अनुग्रह बरसाते हो बाकी लोगों को छोड़ देते हो। तदना भगवान कहते ऐसा नहीं हो, क्यों, समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या महिते तेषु चाप्यहम् समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या महिते तेषु चाप्यहम्। भगवान कहते हैं मेरे लिए सब इक्वल है, सब समान है। देखो ऐसा आक्षेप मत करो मुझ पर कि मैं ए राग द्वेषवान हूं। द्रौपदी भी यही कहती है महाभारत में गुस्सा में आकर ईश्वर की निंदा, ईश्वर कहती है कि
द्रौपदी कहती है ईश्वर में कुछ कोई न्याय नहीं है बिल्कुल, और दुष्टजनों की संपत्ति जो बढ़ाते जा रहा है और सज्जनों की धर्मज्ञ लोगों के, जैसे आप लोग हैं पांडवा, आप सबकी बड़ी परीक्षा ली जा रही है, जंगल में भेज दिया आपको। तो भगवान कहते हैं समह तुल्य अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्य अस्ति न प्रिया। पहली बात है देखिए, मैं सबके लिए समान हूं, मुझ में किसी जीव के प्रति प्राणी के प्रति न द्वेष है न प्रेम है। तो फिर आप कैसे हैं? अग्निवत अहम दूरस्थानाम यथा अग्नि शीतम न अपनयति समीपम उपसर्पताम अपनयति तथा अहम भक्तान अनुग्रहणामि न इतरान। एक अद्भुत उदाहरण भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं मैं अग्नि जैसा हूं। जैसे कि ठंड के मौसम में जो अग्नि के पास आ जाता है, नजदीक आ जाते हैं, उनके लिए बहुत आराम मिलता है कि नहीं बताओ। जो अग्नि से दूर है उनको बहुत दुख होता है। इसमें अग्नि में क्या लोप है? अग्नि खास करके जो नजदीक आया उनसे प्रेम या द्वेष नहीं करता, इसी तरह जो दूर बैठा है उनसे भी प्रेम या द्वेष नहीं करता। जो बस यही नियम है, जो अग्नि के पास जो आ जाए उनको मिलती है गर्मी और गरम गरम लगता है उनको, आराम से उनको बड़ा आराम मिलता है। अग्नि के समीप में बैठने से ठंड के मौसम में बड़ा अच्छा लगता है, और जो अग्नि से दूर है उनको बड़ा व्यथा होती है, दुख होता है। इसमें अग्नि की दृष्टिया भगवान कहते हैं जो मेरे पास जो आते हैं मैं उनकी रक्षा सेवा करूंगा, जो मुझसे दूर है मैं उनके प्रति कुछ नहीं करूंगा। माने करूंगा करना या ना करना यहां पे एक विशेष क्रिया नहीं है। जो अग्निदेव अनुग्रहणाति, अनुग्रह अग्निदेव कर रहा है किस पर? जो उनके नजदीक जो आ गया उनको आशीर्वाद देता है अग्निदेव। आशीर्वाद देता है माने खास करके कुछ आशीर्वाद नहीं है, वहां पे कुछ क्रिया नहीं है, पास में आने से ही फायदा हो रहा है। देखिए दूसरा उदाहरण, जैसे कि बड़ा पेड़ है, पेड़ के नीचे बैठने से छाया मिलती है, पेड़ वैसी ही है। पेड़ के मन में आपके किसी एक व्यक्ति के प्रति प्रेम, किसी और किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं है। पेड़ क्या करता है? जो मेरे नजदीक आता है, जो मेरे नीचे खड़ा रहता है, उसको मैं आराम देता हूं, छाया देता हूं। जो मुझसे दूर है, गर्मी में पड़ा है, घूम रहा है भूख प्यास से, उसको मैं क्या दे सकता हूं? और मेरे पास आ जाए मैं फल भी देता हूं, छाया भी देता हूं, सब कुछ देता हूं, आराम भी मिलता है, सो भी सकता है आदमी। बस सिर्फ नजदीक की बात है। तो आप पेड़ के पास चले जाए तो पेड़ उनको आपको आराम देता है, पेड़ से दूर चला गया तो आपको कुछ नहीं मिलता। इसी तरह जैसे पेड़ के मन में व्यक्ति के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति न प्यार है न द्वेष है, इसी तरह भगवान के मन में, माने भगवान कहते हैं मुझ में किसी के प्रति न द्वेष है न राग है। मेरे पास जो सामने आ जाता है, नजदीक आ जाता है, वो आप मेरा ही अस्तित्व का, मेरा जो अनुग्रह का फायदा उठाता है, अनुग्रहित हो जाता है वो। खास करके मैं अनुग्रहित जो पास में आया उनको मैं अनुग्रह कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। देखिए नहीं तरान ये भजन्ति तुमाम ईश्वरम भक्त्या मयिते स्वभावतः एव न मम राग निमित्तम मयि वर्तन्ते। देखिए और ये भजन्ति तुमाम ईश्वरम भक्त्या, जो भक्ति पूर्वक मुझे ईश्वर को भजन करते, ईश्वर का भजन करते हैं, प्रेम पूर्वक भजन करते हैं, मयिते वे सभी लोग मुझ में हैं। कैसे? स्वभावतः, तो मेरे पास में आ गया कैसे? स्वभाव के कारण ही।
माने आसक्ति के कारण नहीं है, न मम राग निमित्तम मई वर्तन्ते, आसक्ति है, प्रेम है, विशेष प्रेम है, इसीलिए भगवान किसी को अंदर आने दिया, अपने में बिठा दिया, अपने पास नजदीक बिठा दिया और किसी को दूर रखा, ऐसी बात नहीं है। जो मेरे पास आ जाता है स्वभावतः वे मुझ में आ जाता है, मैं उनमें रह जाता हूं। ठीक है, जो पानी सागर के ओर चला जाता है, वो पानी जब चला जाकर चलाने के बाद माने चलने के बाद सागर के ओर जो सागर में विलीन हो जाता है, मिल जाता है सागर से, माने सागर का पानी नदी में, नदी का पानी सागर में मिल जाता है कि नहीं, ये स्वभाव से ही हो जाता है। ये बात ऐसे नहीं कह सकते हैं सागर कुछ नदी के पास और जो अपने पास में जो नदी कुछ जलों के प्रति विशेष प्रेम दिखाई देता और कुछ जलों को छोड़ दिया, नहीं नहीं नहीं, जो जल के बूंद बूंद जो सागर के ओर चला जाता है, प्रत्येक बूंद के अंदर सागर का प्रवेश और बूंद बूंद सागर में प्रवेश। इसमें सागर को किसी बूंद के प्रति, जल के बूंद के प्रति न द्वेष है न राग है, यह स्वभाव से एक हो गया। इसी तरह भगवान कहते हैं जो मेरे नजदीक आ जाते हैं वे अनुभव में आ जाता है उनको, उनमें मैं हूं और मुझ में वे हैं। अद्भुत बात है कि नहीं? जब मैं अग्निदेव जैसा हूं, पेड़ जैसा हूं, जैसे कि सूर्य भगवान एक दीवाल है, तो दीवाल में भी सूर्य भगवान का प्रतिबिंब पड़ रहा है मगर दिखाई नहीं देता, वहां पर एक कांच रख दो तो कांच में स्पष्ट दिखाई देता। तो भगवान सूर्य भगवान के मन में दीवाल के प्रति न द्वेष है न कांच के प्रति प्रेम है। फिर भाई सुबह सूर्य भगवान कांच के अंदर प्रविष्ट कैसा हो गया? इसीलिए कि कांच माने शुद्ध अंतकरण वाले, कोई मलिनता नहीं है, इतना स्वच्छ हो गया कि सूर्य भगवान को अपने में ही प्रतिबिंबित करने में वो अधिकारी बन गया। बस साधन यही है, घर पे बैठो, कहीं बैठो, बाहर बैठो, जहां है आपकी अंतकरण सफाई लगातार करते रहो और दोबारा धूल मिट्टी गिरने ना देना, यही साधना है। इसके इससे ज्यादा, इससे विपरीत और कोई साधना ही नहीं है। शुद्ध अंतकरण, अंतकरण को शुद्ध करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक दिन आपको स्वस्थ हो जाएगा, स्फुटम एकदम साफ साफ दिखाई देता है। जैसे दीवाल के प्रति सूर्य भगवान का द्वेष नहीं है, कांच के प्रति कोई विशेष प्रेम नहीं है, इसी तरह भगवान कहते हैं जो मेरे पास आ जाते हैं भाई, माने मेरे पास आना माने क्या है, शुद्ध परमात्मा को प्रतिबिंबित करना, अंतकरण के अंतकरण का एक जो अंतकरण में करने के लिए जो अशुद्धता जो फैल गई, इस अशुद्धता को निकाल दो, भगवान तुरंत अंदर प्रविष्ट हो जाता है। सागर के ओर चला जाओ, बूंद के अंदर सागर का प्रवेश, सागर के अंदर बूंद, दोनों एक हो जाता है, ये स्वभाव से ही। तेषु चापि अहम् स्वभावतः एव वर्ते न इतरेषु, उनमें से मैं स्वभाव से मैं मौजूद हूं और वे मुझ में प्रविष्ट हो गया। न इतरेषु न एतावता तेषु द्वेषो मम, ये द्वेष के कारण नहीं है उनके प्रति, जो द्वेष नहीं है मुझ में, कोई द्वेष नहीं है, कोई राग नहीं है, बस सिर्फ यही है कि मेरे पास जो आ जाते हैं, मेरे पास आना माने क्या है, शुद्ध अंतकरण को शुद्ध करते रहना, धोते रहना, सुबह से शाम तक धुलाई, धुलाई का काम ही साधना है, दूसरों की नहीं अपनी। स्वामी जी ने कह दिया धुलाई का काम तो दूसरों को धुलाई करो। यही साधना है। तो भगवान के स्वभावतः एवं, स्वभाव से ही मैं अपने आप दो, ऐसा जो व्यक्ति जो भक्त है, भक्त को भक्त के अंदर मैं बैठ जाता हूं, मुझ में भक्त बैठ जाता है और मुझ और भक्त में कोई अंतर नहीं रह जाता।
बस ये विशेष बात नहीं है, मैं मेरे लिए सब समान है, अग्नि के लिए सब समान है, पेड़ के लिए सब समान है, सूर्य के लिए सब समान है, सागर के लिए हर बूंद समान है। जो सागर के अंदर प्रविष्ट हो गया बूंद को ही सागर का जो रस है अनंत तत्व है उसको मिल जाता है, उस बूंद को, उस बूंद का अचानक अनुभव हो जाता है कि मैं सागर से एक हो गया हूं, मैं भी सागर जैसा हूं, मैं भी सागर बन गया हूं। श्रुण मत भक्ते हे महात्म्यम, और मेरे भक्तों के बारे में जो महात्म्य है, उनका जो महिमा है, भक्तों की महिमा, ये भी सुन लो। कब? कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।